हमने कोड फोर्सेस राउंड एजुकेशनल राउंड 157 की प्रॉब्लम ए एंड बी ऑलरेडी सॉल्व कर ली है एंड आई हैव अपलोडेड वीडियो फॉर दैट। जस्ट इससे पहले जो वीडियो आई है उसमें हमने ए और बी प्रॉब्लम सॉल्व कर ली है। सो अभी ये प्रॉब्लम हम कर रहे हैं सी प्रॉब्लम जिसका नाम है टॉन लक्की टिकट। लेट्स रीड आउट द प्रॉब्लम। अ टिकट इज नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग फ्रॉम डिजिट्स 1 to n। A lucky ticket is such that it is having even length and sum of digits in first half is equal to sum of digits in the second half. You are given n ticket prizes, S1 to SN. How many pairs I and J can there are such that SI plus SJ forms a lucky ticket? Note that it's possible that I can be equal to J. Here plus operation denotes the concatenation. So n is the number of ticket prizes and you have been given S1 to SN, the each of length at most 5. These are tickets of length at most 5, considering the digits only 1 to 9. Output a single integer, the number of pairs ij such that si plus sj is a lucky ticket. तो हमें प्रॉब्लम में बेसिकली काफ़ी सारी टिकट्स दी गई हैं और हमें नंबर ऑफ पेयर्स बताने हैं कि जब एस आई और एस जे को मैं कॉन्कैटिनेट करूँ तो इट शुड बी अ लकी टिकट। और लकी टिकट की कंडीशन ये है कि वो एक इवन है। तो उसकी लेंथ इवन होनी चाहिए और उसमें हाफ ऑफ द डिजिट शुड बी इक्वल टू द सम ऑफ नेक्स्ट हाफ ऑफ द डिजिट्स। तो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने इनपुट ले लिया है नंबर एन और अब मैं इनपुट ले लेता हूँ अपनी स्ट्रिंग्स। ठीक है, अब मेरे को इसकी लेंथ पता होनी चाहिए सबसे पहले। तो साइज इज इक्वल टू एस डॉट साइज। और अब मेरे को क्या करना है, मैं एक एरे बनाऊंगा स्ट्रिंग्स का और ये होगा बेसिकली केवल एक एरे नहीं होगा, ये ऐसे पांच एरे होंगे बिकॉज मेरी लेंथ कितनी पॉसिबल है, पांच, राइट? एक, दो, तीन या चार या पांच, A1, A2, A3, A4, A5 और वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग्स है ये। और मैं यहाँ पे चेक करूंगा कि इफ साइज इज इक्वल टू 1 तो एक काम करो, राइट? और सिमिलरली इफ साइज इज इक्वल टू 2 है तो एक काम करो, 3 है तो एक काम करो, 4 है तो एक काम करो, 5 है तो एक काम करो। सो इन दिस इफ साइज इज इक्वल टू 5 आई विल पुश इनटू दिस। तो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल पुश द स्ट्रिंग एज इट इज, s1 डॉट पुश बैक योर एंड अदरवाइज आई पुश इनटू थर्ड A3, A4, A5। ठीक है, आई ऑल्सो मस्ट नो वॉट इज द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द स्ट्रिंग। ठीक है, सो फॉर दैट फॉर आई एन योर एस एस एम प्लस इक्वल टू इन टीचर ऑफ कैर, नॉट ए टीचर बट आई थिंक यू डायरेक्टली यू कैन ऑल्सो राइट i-0। और जब मैं किसी दो कैरेक्टर के बीच में प्लस या माइनस लिखता हूँ तो वो ऑलरेडी वो एस्की वैल्यू स्ट्रेट होती है, तो ये एक चीज़ है। बट पहले डिस्कस डिस्कस करते हैं लॉजिक की हम क्या करने वाले हैं। तो हमें स्ट्रिंग्स गिवन है और मेरे को लकी स्ट्रिंग चेक करनी है। ठीक है, ओके सॉरी गाइस। हाँ, तो हमें लकी स्ट्रिंग चेक करनी है तो उसके लिए व्हाट शुड बी डू,
हमें ये चेक करना है कि द टोटल लेंथ शुड बी इवन, ठीक है। टोटल लेंथ इवन कब होगी, जब दोनों स्ट्रिंग जो मैं कॉन्कैटिनेट कर रहा हूँ या तो वो इवन हो या ऑड हो, उनकी पैरिटी सेम होनी चाहिए, राइट। पहला ऑब्जर्वेशन तो ये, और दूसरा ऑब्जर्वेशन कि सम ऑफ डिजिट्स हाफ ऑफ द यू नो नेक्स्ट हाफ के इक्वल कैसे होगा। सम ऑफ द फर्स्ट हाफ ऑफ द डिजिट्स हमारे नेक्स्ट हाफ के इक्वल कैसे होगा। जब अगर सेम लेंथ है मेरी तो सेम कैरेक्टर्स होने चाहिए, ठीक है। नॉट सेम बट देखो सम, उसमें तो जस्ट सम इक्वल होना चाहिए, बट उसमें हम कह सकते हैं कि अगर टू टू मेरी लेंथ है तो मेरा जो हाफ बनेगा वो भी टू लेंथ का बनेगा, तो मेरे को बस दोनों स्ट्रिंग का सम चेक करना है। बट जब मेरी फोर और टू लेंथ है तो बेसिकली क्या हो रहा होगा, तो लेट मी शो यू क्या हो रहा होगा फोर और टू के केस में। वन टू एंड थ्री एंड फोर, दिस इज माई नंबर स्ट्रिंग वन, ओके। स्पेस देखे लिखा है, बट ये एक ही स्ट्रिंग है बस, कैरेक्टर्स यू नो आई हैव गिवन स्पेस। फोर फाइव इज द सेकेंड स्ट्रिंग। अभी इसका सम कितना है, इसका सम मतलब जब ये दोनों कॉन्कैटिनेट होगी तो फाइनल क्या बनेगा, वन टू थ्री फोर, फोर फाइव। हाफ में कैसे करूँगा कि यहाँ पे हाफ होगा, राइट। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट नोट करने की। तो अभी मैं कुछ ऐसी स्ट्रिंग लिखता हूँ जो कि होगा एक्चुअली, जो कि गुड बन जाएगी, ये गुड बन जाएगा, थ्री टू वन। कि मेरे पास वन टू थ्री थ्री एक नंबर है और अगला नंबर है टू वन, तो देखने में तो बहुत डिफरेंस लग रहा होगा कि इसका सम कितना है, छः छः नौ, इसका सम है तीन, ठीक है। नौ और तीन में छः का डिफरेंस है, बट जब मैं इसको साथ में कॉन्कैटिनेट करके लिखूँगा और हाफ हाफ में ब्रेक करूँगा तो दोनों का सम छः छः बारह हो जाएगा, ठीक है। वो चीज़ कॉमन है, बट ये कैसे हुआ, हमें बेसिकली देखना है कि मेरे को अगर स्ट्रिंग चार और दो को मैं कॉन्कैटिनेट कर रहा हूँ तो ऐसा हो कि जब मैं लास्ट का एक कैरेक्टर हटाता हूँ तो ये बनेगा मेरा हाफ पार्ट। अब ये जो लास्ट का कैरेक्टर हटा है ये इसके अंदर जाएगा, तो मेरा सम यहाँ पे क्या होना चाहिए दो लेंथ की स्ट्रिंग का, इट शुड बी इक्वल टू माय जो करंट फोर लेंथ का सम है, ठीक है। लेंथ फोर का सम, आई कॉल इट सम ऑफ लेंथ फोर का सम माइनस, पहले तो मैं इसमें से ये थ्री माइनस करूंगा, ठीक है, माइनस लास्ट डिजिट। तो ये कितना बना मेरा, वन टू थ्री बना, ठीक है। और इसका सम कितना है, वन टू थ्री को बोलो सिक्स हो गया, और इसका सम कितना है, वन और टू, ये अभी भी थ्री है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि माइनस लास्ट डिजिट, माइनस एक और बार करना पड़ेगा लास्ट डिजिट। अब ये क्या बताता है कि एक बार तुमने यहाँ से निकाला तो ये सम हो गया छः, और एक बार तुमने यहाँ पे सम डाला तो बेसिकली इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, सम लेंथ फोर के बीच में और इसके बीच में, इट इज़ इक्वल टू टू इंटू दिस, क्योंकि पहले एक बार यहाँ से निकलेगा और फिर दूसरी बार यहाँ पे ऐड होगा, थ्री टू वन बनेगा, तो ये सिक्स हो जाएगा, राइट। तो ये दिस इज सम लेंथ फोर माइनस लास्ट डिजिट इंटू टू करना पड़ेगा मेरे को, तो ये इज इक्वल टू माई सम ऑफ लेंथ टू। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये दोनों कैन बी अ गुड स्ट्रिंग टू कॉन्कैटिनेट, ऐसा ही और ऐसे को मैं कॉन्कैटिनेट कर सकता हूँ, ठीक है। अब ये तो हुई बात जब मैंने पीछे से कैरेक्टर हटाया, एक थ्री टू वन स्ट्रिंग मेरे पास प्रेजेंट है और एक मेरे पास टू वन प्रेजेंट है, ठीक है। तो थ्री थ्री वन टू बोलता हूँ मैं, ठीक है, बस मैंने जस्ट इसका रिवर्स करके लिख दिया। और जब मैं इसको हाफ पार्ट में डिवाइड करूँगा तो बेसिकली ये मेरा जब फोर प्लस टू कितना होता है, सिक्स होता है, तो हाफ पार्ट में मैं क्या कह रहा हूँ कि ये तीन चीज़ें हैं और मैं आगे ऐड करने वाला हूँ, ये टू वन पीछे नहीं है पहली चीज़, तो ये इसके आगे जुड़ेगा और यहाँ पे ऐसे जुड़ेगा। मैंने सबसे पहले इसके हाफ पार्ट यहाँ से देखा, क्योंकि जो बड़ी स्ट्रिंग है उसके अंदर हाफ ऑलरेडी प्रेजेंट है, उसमें हाफ से कुछ ज़्यादा ही प्रेजेंट है, लाइक एक कैरेक्टर एक्स्ट्रा प्रेजेंट है, तो पहले इस कैरेक्टर को निकालो और इसको उधर दे के आओ छोटी वाली स्ट्रिंग में, तो ओवरऑल डिफरेंस मेरा टू इंटू दिस कैरेक्टर बन जाएगा, ठीक है। अभी तो हम फोर टू का देख रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंस केवल एक का ही है। जब हम फाइव और वन का देखेंगे तब देखने में और मज़ा आएगा, क्योंकि तब दो कैरेक्टर निकालेंगे हम। बट अभी के लिए यह है कि हमने एक कैरेक्टर हटाया और उधर दे दिया, तो फिर इसको बन गया वन टू थ्री, और सेकेंड स्ट्रिंग बन गई मेरी थ्री टू वन। लाइक जस्ट ऐसा पार्टीशन होगा जब मैं इन दोनों को मैं क्लब करूँगा, कि टू वन और जिसको थ्री थ्री टू वन को जब मैं क्लब करूँगा तो ऐसा पार्टीशन क्रिएट होगा जो कि गुड है। तो मेरे को बेसिकली ये देखना है कि डिफरेंस शुड बी इक्वल टू टू इंटू दिस लास्ट डिजिट। तो ये अगर सम लेंथ के बराबर है तो मैं बोलूँगा कि इट्स अ वैलिड पेयर। मेरे को एट द एंड नंबर ऑफ वैलिड पेयर काउंट करने, आर इज इक्वल टू जीरो
और मैंने क्या कहा कि मैं किन किन को कंबाइन करूंगा, एक बार में 4-2 को कंबाइन करूंगा, ठीक है, 4-3 को कंबाइन करने का मतलब नहीं है, इवन इवन को कंबाइन करूंगा, 1 और 3 को कंबाइन करूंगा, और ऑब्वियसली मैं 1 और 3 को नहीं कंबाइन करूंगा, मैं 3 और 1 को कंबाइन करूंगा। मैं ये कभी नहीं कहूंगा कि ये 2-1 आगे जुड़ सकता है नहीं, पीछे जुड़ सकता है नहीं, मैं बस जब इसको देख रहा हूँ बड़ी स्ट्रिंग को एक बार देख रहा हूँ कि मैंने इसको देख रहा हूँ कि 1 2 3 3 मेरी स्ट्रिंग है, तो इसके बेसिस पे मैं चेक करूंगा कि एक बार यहाँ से निकालो और एक बार यहाँ से निकालो, ठीक है, एक बार यहाँ से निकालोगे तो तुम्हारा ये बनेगा 2 3 3 लास्ट में बनेगा, हाफ ऑफ द पार्ट बनेगा, अदरवाइज ये हाफ ऑफ द पार्ट ये बनेगा। तो बेस्ड ऑन दैट मेरे को 2 स्ट्रिंग मिल सकती है कि एक आगे जोड़ने के लिए, एक पीछे जोड़ने के लिए, ठीक है, 2 लेंथ की, या यू नो 4 के केस में ये है और 2 3 के केस में 1, और एक बार मैं करूँगा 5 को 3 से, एक बार मैं करूँगा 5 को 1 से, ठीक है। और ये 3 इसलिए कॉमन है क्योंकि इन तीनों में एक चीज़ हो रही है कि मैं एक कैरेक्टर आगे से या पीछे से हटा रहा हूँ और दूसरे उसमें ले जाके ऐड कर रहा हूँ। और एक और चीज़ जो मैं भूल गया कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड हैव टू कंसीडर दो दो लेंथ की जो है, कि 2 2 भी इवन होता है, 3 3 भी इवन होता है, 4 4 भी इवन होता है, 5 5 भी इवन होता है, और 1 1 भी इवन होता है। तो ये भी मैं कंसिडर करूँगा, ये मैं कैसे कंसिडर करूँगा, ये करूँगा मैं जस्ट एक फॉर लूप चलाऊँगा 0 से लेके टोटल सम कितना पॉसिबल है, 45 पॉसिबल है, 46 का एरे मान के चल रहा हूँ मैं, और आर प्लस इज इक्वल टू बी ऑफ, अच्छा मैंने बी एरे अभी बनाया नहीं, मैं यहाँ पे बना देता हूँ ये बी एरे क्या है और 46 47 क्या है। देखो ये बी वन बनेगा जिसका साइज होगा 46, सिमिलरली बी टू बी थ्री बी फोर बी फाइव बनेंगे, ठीक है, कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। तो ये बन गया बी वन, ये बन गया बी टू, ये बन गया बी थ्री, बन गया बी फोर, बन गया बी फाइव। बी आर ए क्या है, ये एक फ्रीक्वेंसी नहीं बट एक सम को ट्रैक करने का तरीका है कि मैं लिख देता हूँ कि बी वन ऑफ आई इज इक्वल टू द नंबर ऑफ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 1 हैविंग सम इक्वल टू आई। सिमिलरली ये मेरे 2 के लिए 3 के लिए 4 के लिए 5 के लिए, तो इतने लेंथ की जो स्ट्रिंग है उसमें सम आई बनाने वाली कितनी स्ट्रिंग है, क्योंकि मेरे को एट दी एंड ये चाहिए कि ऐसी कितनी स्ट्रिंग एग्जिस्ट करती हैं जिनका सम ये है, ताकि मैं इनको इससे कॉन्कैटिनेट करूँ और मेरा ओवरऑल स्ट्रिंग गुड बन जाए। क्योंकि लेंथ तो मैं ऑलरेडी चेक करके चल रहा हूँ कि मैं उन्हीं को करूँगा कि इवन बने, अब बस जो सेकेंड चीज़ मेरे को देखनी है कि सम मेरा इक्वल बनना चाहिए लाइक हाफ पार्ट का। तो मेरे को एक मेरे पास करंट सम है और एक मेरे पास रिक्वायर्ड सम है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेरा रिक्वायर्ड सम है वो है कि बी आई इंटू बी आई को साथ में क्लब करना चाह रहा हूँ मैं, क्योंकि देखो हाफ पार्ट ये बनेगा और हाफ पार्ट यू नो बी आई इज़ द सम, ठीक है। इसका मैं क्या इस यहाँ पे क्या मतलब है मेरा 1 1 और 2 2 कंबाइन करने का, कि जैसे 2 लेंथ की स्ट्रिंग मान के चलते हैं 1 2 और 2 1, ये गुड स्ट्रिंग है, ठीक है, और जैसे देर एग्जिस्ट अनदर स्ट्रिंग 3 0, इनका सम भी कितना है, तीनों का सम 3 के बराबर है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने बनेंगे क्लब करने के, एक्चुअली 9 वेज बनेंगे, लेट मी शो यू हाउ। 9 वेज क्यों बने, 3 का स्क्वायर क्यों बना, क्योंकि 1 2 पहले 1 2 के साथ क्लब होगा, ये एक गुड स्ट्रिंग है, ठीक है। और इसमें क्वेश्चन में गिवन है कि हम सेम स्ट्रिंग को सेम स्ट्रिंग के साथ क्लब कर सकते हैं, तो 1 2 को 1 2 के साथ कर दिया, फिर 1 2 को 2 1 के साथ कर सकते हैं, वो भी गुड बनेगा, ठीक है। सम इसका इक्वल है और इवन लेंथ है, 1 2 को हम 3 0 के साथ कर सकते हैं क्लब, ये भी गुड बनेगा। सिमिलरली इसको यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। सो 2 1 को हम करेंगे क्लब बाकी सबके साथ, और यहाँ पे 3 1 को 3 0 को क्लब करेंगे। तो मैं बाकी पूरा लिख नहीं रहा हूँ बट यू आर गेटिंग द लॉजिक कि क्या हो रहा है यहाँ पे। तो इसलिए बेसिकली बी आई ये तो केवल तब था जब जिसका सम, तो मैंने पूछा कि बी ये यहाँ पे बेसिकली 3 × 3 हुआ, पर 3 क्या था, 3 वॉज बी टू ऑफ 3, बी टू इज 3 इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्ट्रिंग हैविंग सम इक्वल टू 3, सम इक्वल टू 3, नंबर ऑफ स्ट्रिंग लेंथ इक्वल टू 2 एंड हैविंग सम इक्वल टू 3। तो इनकी ये वो ऐसी 3 स्ट्रिंग है जिनका लेंथ 2 है और सम 3 है। तो बी आई वो बी वन ऑफ आई ऐसी वो 1 लेंथ की स्ट्रिंग है जिनका सम आई आई है, तो उन दोनों को मैं आपस में क्लब कर सकता हूँ, तो आई स्क्वायर ये काइंड ऑफ बनेगा, प्लस सेम चीज़ होगी अब बी टू बी थ्री बी फोर बी फाइव के साथ भी। तो ये उतनी सारी स्ट्रिंग्स हैं जिनकी लेंथ 3 है और जिनका सम सेम है, तो सम सेम है तो उन सबको मैं एक साथ क्लब कर सकता हूँ, और बेसिकली हर एक के पास ऑप्शन है कि वो हर एक के साथ क्लब हो सकता है, तो ये बेसिकली ये काइंड ऑफ एक्स स्क्वायर उसके लिए हो रहा है, ठीक है।
थोड़ा सा समझने का है, बट ये अच्छा प्रॉब्लम था भाई, बहुत ही अच्छा। मतलब स्टेप बाय स्टेप अगर तुम बिल्ड करोगे तो बड़े आराम से कर सकते हो। अभी मैंने यहाँ पे सम निकाला था, सम इक्वल टू जीरो, सम प्लस इक्वल टू दिस। तो मेरे को यहाँ पे स्टोर भी कराना है कि बी वन ऑफ एस एम प्लस प्लस, यहाँ पे बी टू ऑफ एस एम प्लस प्लस, बी थ्री ऑफ एस एम प्लस प्लस, बी फोर ऑफ एस एम प्लस प्लस, बी फाइव ऑफ एस एम प्लस प्लस, और बी फाइव। ठीक है, चलो अब इसको यहाँ से डिलीट करते हैं। अब ये हमने ट्रैक कर लिया कि जो 1122 के लिए जो था वो हमने कर लिया, राइट। अब करते हैं 4 और 2 की बात, जो कि मैं ऑलरेडी थोड़ा थोड़ा बता दे रहा हूँ, बट इसको करते हैं हम। तो मैं जाऊँगा फॉर ऑटो आई एन ए फोर, ये वो स्ट्रिंग है जिनकी लेंथ 4 है, और मैं 4 वाले को देखूंगा और फिर मैं पूछूंगा, क्योंकि यहाँ से हाफ पार्ट आ रहा है ये मेरे को पता है। अब इसके बेसिस पे डिसाइड होता है कि मेरे को ए टू कैसा चाहिए। ठीक है, तो मैंने पहले इसका सम निकाला, मेरे को सब मिल गया। फिर मैं एस एम वन और एस एम टू बना रहा हूँ, एक वो है एस एम बिगिन कह सकते हो तुम्हें से, और इसे एस एम एंड कह सकते हो। जब मैंने बिगिन से रिमूव करा तो क्या बनेगा, ठीक है। तो एस एम बी जो है इट इज इक्वल टू एस एम माइनस फर्स्ट कैरेक्टर। फर्स्ट कैरेक्टर क्या होता है, फर्स्ट कैरेक्टर होता है आई ऑफ जीरो माइनस में दिस, ठीक है। इसको ब्रैकेट कर देता हूँ ताकि यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट कैरेक्टर मैंने रिमूव कर दिया। एस एम ऑफ एंडिंग इज इक्वल टू एस एम माइनस लास्ट कैरेक्टर, लास्ट इज इक्वल टू आई ऑफ, जैसे 4 लेंथ की स्ट्रिंग है तो आई 3 मेरा लास्ट है, मेरे को पता है, ठीक है। तो ये बन गया। अब मेरे को जाके पूछना है, मेरे को 2 into करना पड़ेगा, जैसे वी हैव डिस्कस्ड 2 into। यहाँ पे वी हैव टू टेक मैक्स ऑफ 0, मैक्स ऑफ 0, और यहाँ पे भी 2 into, ठीक है। सो नाउ दिस इज द थिंग। अब ये दिस इज द रिक्वायर्ड विच आई वांट फ्रॉम लेंथ टू अ स्ट्रिंग। तो मैं कैसे देखूंगा, आर प्लस इज इक्वल टू बी टू में जाऊंगा, मैं प्रोस करूंगा एस एम बी अगर मेरे को मिल रहा है तो, प्लस बी टू में एस एम ई मिल रहा है। तो मैंने मैक्स क्यों लिया इसका 0 के साथ, क्योंकि अगर ये नेगेटिव जा रहा है तो ऑब्वियसली ऐसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है बी टू में, तो उसको 0 कर दो, और ऑब्वियसली 0 सम का भी हमारे पास कोई नहीं है, तो दैट्स फाइन। बट नेगेटिव इंडेक्स हो जाता है तो दिक्कत होती, राइट। तो इसलिए मैंने उसका 0 से मैक्स ले लिया ताकि सम नेगेटिव ना जाए, और यहाँ पे हमारे जो एस एम बी में इंडेक्स पास कर रहा हूँ बी टू का, ये कभी नेगेटिव ना हो। तो ऐसे हमने 4 और 2 को डील कर लिया कि बेसिकली क्या, अगर हमने 4 लिया, 4 में से एक आगे से हटाया एक पीछे से हटाया, तो वो मेरे को 3 लेंथ का सीक्वेंस मिला, जो कि मेरा वन ऑफ द हाफ पार्ट बनने वाला है। अब इस हाफ पार्ट के बेसिस पे मैंने ये जानने की कोशिश करी कि मेरे को 2 लेंथ की कैसी स्ट्रिंग चाहिए, कैसी स्ट्रिंग, बस उसके सम से मैं देख पाऊंगा कि अगर ऐसा स्ट्रिंग ऐसा उसका सम है तो मेरे को वो स्ट्रिंग चल जाएगी, ठीक है। बिकॉज स्ट्रिंग कुछ भी है, मेरे को सम से मतलब है, ठीक है। और बट यहाँ पे मेरे को A4 की हर एक स्ट्रिंग पे जाना ही पड़ेगा, ठीक है। अब सिमिलरली मैं A3 की हर एक स्ट्रिंग पे जाऊंगा, मैं क्या करूंगा, सेम प्रोसेस करूंगा बिल्कुल, कि यू गॉट एस एम इज इक्वल टू दिस कंप्लीट थिंग। एस एम ए और एस एम बी का मतलब है कि आगे से हटाया पीछे से हटाया, सेम चीज़ हो रही है, बट यहाँ पे 3 की जगह ये 2 हो जाएगा, बिकॉज ये 3 लेंथ की स्ट्रिंग है और 3 को मैं 1 के साथ क्लब कर रहा हूँ, तो वही है ये। इससे हमें पता है कि यहाँ पे 2 लेंथ का हाफ पार्ट बनेगा, तो हम किस में मांगेंगे, हम 1 वाली स्ट्रिंग में मानेंगे कि एक लेंथ में तेरे को एक कैरेक्टर में ऑलरेडी दे रहा हूँ तेरे को इस 3 में से निकाल के, अब एक कैरेक्टर में और चाहिए उसमें, उसका सम इतना होना चाहिए, ठीक है। मतलब बेसिकली वो स्ट्रिंग का, तो ये मैंने एस एम ए बी उसमें पास कर दिया। सिमिलरली 5 3 का भी सेम ही बनेगा, बस उसमें ये चेंज करना पड़ेगा कि 5 3 है ये, S3 की जगह S5 करना पड़ेगा, आगे से ही हटाना है पीछे से ही हटाना है। बी ऑफ 3 के अंदर जाके मैं सर्च करूँगा
भी अब 3 के अंदर मैं जाके सर्च करूँगा और यहाँ पे चेंज हो जाएगा कि i0 के बाद मैं यहाँ से i4 हटा रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ मेरा चेंज हो जाएगा यहाँ पे v2 v1। अभी एक बचता है मेरा 5 और 1। ये इंटरेस्टिंग, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है बिकॉज़ यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम पहली बात तो इस 5 पे जा रहे हैं और हम आगे से दो कैरेक्टर उठा रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, दिस कर लो प्लस में a ऑफ 1 माइनस में 0। ये चीज़ भी है, ठीक है। इसको एक बार ब्रैकेट में करता हूँ, इसको एक और ब्रैकेट में करता हूँ और इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, आई थिंक वो सही लगेगा ज़्यादा है। ये एक कैरेक्टर से उठा है, एक कैरेक्टर से उठा है। ये चीज़ मैं सेम कॉपी पेस्ट यहाँ पे कर देता हूँ कि मेरे को वैल्यूज चेंज करनी पड़ेंगी इंडेक्स की। तो ये है, अब मैं यहाँ से क्या दो कैरेक्टर रिमूव करने में, खुद थर्ड वाला और फोर्थ वाला कैसे भी रिमूव करो बट ये दोनों कैरेक्टर रिमूव होने चाहिए, ठीक है। दिस माइनस दिस इन टू दिस, ठीक है, टू इन टू दिस दिस प्लस दिस। तो लास्ट के दो कैरेक्टर रिमूव हो गए, शुरू के दो कैरेक्टर रिमूव हो गए। तो ये मैं कह रहा हूँ कि अब अच्छा 5 और 1 को मैं कंबाइन करने जा रहा था, टोटल लेंथ 6 बनेगी जिसमें से मेरा हाफ पार्ट होगा 3 लेंथ का। हाफ पार्ट वो आएगा S5 में से, तो या तो वो शुरू के 3 होंगे या तो आखिरी के 3 होंगे, तो ये उनका सम बनेगा। अब इसके बेसिस पे मेरे को 1 में से क्या चाहिए, 1 में से कोई बस इतना चाहिए कि वो काम चल जाए और दोनों इक्वल बन जाए। तो अभी जो मेरा सम बन रहा है इसके माइनस ये 2 हटाने के बाद और ये 2 उसमें ऐड करने के बाद 1 वाले में, तो मेरे को ये मिलना चाहिए SM1 ऑफ SMB मिलना चाहिए, ऐसा ये B1 में से ही मेरे को चाहिए, ठीक है, सही है, चल रहा है। तो अब एट लास्ट मैं सी आउट आर करा दूंगा, दैट्स इट आई थिंक। काफ़ी टाइम लगा दिया इस क्वेश्चन पे, थोड़ा लेंदी है बट स्टेप बाय स्टेप है और एक स्टेप के बाद आपको आसानी होगी स्विच करने में, यू नो, टू द नेक्स्ट स्टेप। जो चीज़ें हमने मेंशन नहीं करी वो कर देते हैं, आई डोंट थिंक सो कुछ है बट देखते हैं एक बार। यहाँ पे इसकी स्पेलिंग अच्छा, वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग A1 से लेके A5। A3 was declared, now A4, A5, B1, B2, B3, B4, B5. S3 is nothing but A3, S5 is nothing but A5, S5 is nothing but A5. max expected i0 minus 0 plus i1 यहाँ पे हो रहा है सब। जो कि आंसर सही है बट अभी इसमें को लॉन्ग लॉन्ग लेना पड़ेगा क्योंकि ये नंबर बढ़ा जा सकता है और हम कुछ मॉड वॉड नहीं ले रहे हैं यहाँ पे, दिक्कत उसकी है मेरे को। तो लॉन्ग लॉन्ग लूंगा और यहाँ पे साइन कर दूंगा इसको, और जहाँ पे भी तो मैक्स 0 के साथ ले रहे थे वहाँ पे 0 लॉन्ग लॉन्ग करना पड़ेगा, दिक्कत अभी ये भी है थोड़ा। लॉन्ग लॉन्ग, ठीक है, हर जगह लॉन्ग लॉन्ग कर दिया, 20 आ गया फिर आंसर। तो सबमिट कर देता हूँ मैं एक बार, नो सबमिट हो सकता है, अभी होना तो चाहिए। प्रॉब्लम इज अलाउड ओनली फॉर फिनिश्ड एंड अनफ्रोजन कॉन्टेस्ट सिस्टम टेस्ट। सिस्टम टेस्टिंग पूरी नहीं हुई अभी इसकी, ठीक है, अभी इसको सबमिट नहीं करवाएंगे अभी हम। तो मैं अपने सबमिशन दिखा देता हूँ, कौन सा प्रॉब्लम खोल के बैठे हैं। अच्छा प्रॉब्लम था थर्ड वाला, ओके मैं आपको वहीं से दिखा सकता हूँ, आई थिंक सबमिशन यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा, पर
आई डोंट नो व्हाई आई कांट सी द सबमिशन, अभी थोड़ी देर पहले तो दिख रहा था. अगर किसी को पता हो तो बताए भाई ये क्या हो रहा है यहाँ पे सिस्टम टेस्टिंग के नाम पे सबमिशन क्यों नहीं दिख रहे हमें. नहीं लाइक सच में मेरे को आई नॉट डोंट हैव एनी आइडिया, क्योंकि ये पहली बार आई थिंक मैं नोटिस कर रहा हूँ यहाँ से सबमिशन गायब हो गया मेरा. ठीक है फिर छोड़ो. बट या दिस इज द लॉजिक मेन क्रक्स व्हाट यू शुड अंडरस्टैंड अबाउट दिस प्रॉब्लम इज की ऑब्जर्वेशन कि इवन लेंथ कैसे बनती है जब दो की सिपैरिटी सेम होती है. उसके बाद तुम्हें सम को इक्वल चेक करना है तो सबसे पहले तुम्हें देखना पड़ेगा कितने ऐसे पेयर पॉसिबल है पैरिटी सेम वाले. 4 2 2 4 यू नो 6 तो है ही नहीं बट 1 to 5 लेंथ है. एक ये ऑब्जर्वेशन भी है कि 1 to 5 लेंथ है तो हम इंडिविजुअली सब पे परफॉर्म कर सकते हैं ऐसा कुछ कि मैंने स्टोर करा दिया देन A4 के लिए जा रहा हूँ, A3 के लिए जा रहा हूँ, A5 के लिए जा रहा हूँ, A5 A3 को कंबाइन कर रहा हूँ, A5 और A1 को कंबाइन कर रहा हूँ. और कंबाइन करते हुए मेरे को क्या चाहिए कि आगे से हटाओ पीछे से हटाओ और फिर देखो कि ये मेरा हाफ पार्ट बनेगा और वो नेक्स्ट मेरे को उसमें क्या वैल्यू चाहिए. बेसिकली अगर मैं 4 और 2 के लिए चेक कर रहा हूँ तो 4 मेरे को 2 की ऐसी क्या वैल्यू चाहिए कि वो 4 वाले के साथ आराम से क्लब हो जाए. तो दिस वाज ऑल अबाउट द प्रॉब्लम. मैंने थोड़ा सा लेंदी है बट या इट्स स्ट्रेट फॉरवर्ड आई वुड से. ओके बाय.